हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज वेलकम टू DSA-One कोर्स। और आज की वीडियो के अंदर हम एक बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, विच इज डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री। ये वाला इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी काफी बार इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया और मैं भी काफी बार दे रहा होता हूं इंटरव्यूज के अंदर, तो उसको ठीक से समझेंगे क्या खास बात है, जरा समझते हैं। तो अगर आपको ऐसा बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है, इसमें से डिलीट करना है एलिमेंट 4, तो डिलीट करने के बाद भी आपके बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये दो तीन केसेस है जहां पर तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक केस है जहां पर थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है, जहां पर थोड़ा सॉल्व करने में इसमें दिमाग लगता है। तो क्या केसेस है जो सिंपल है, जरा पहले उनको साइड कर लेते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी नोट डिलीट करनी है जिसके ना तो लेफ्ट में कोई चिल्ड्रन है ना राइट में कोई चिल्ड्रन है, मतलब एक लीफ नोट डिलीट करनी है, तब तो बहुत ही आसान है। डिलीट 4 करना है तो आपको पहले 4 ढूंढना है, किस साइड मिलेगा, 10 से छोटा है, हाँ, 8 से छोटा है, हाँ, तो लेफ्ट साइड आओ और आपको 4 मिल गया। तो आपको बस क्या करना है कि इसका जो पेरेंट था 4 का, और जैसे आपको मिल जाता है कि हाँ इसका पेरेंट मिल गया आपको, तो आपको चेक करना है, हाँ ये लीफ नोड है, लीफ नोड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पेरेंट का लेफ्ट नल कर देना है। तो यहाँ से 4 उड़ जाएगा मेमोरी में से। अगर 4 राइट साइड में होता है तो आप पेरेंट के राइट को नल सेट कर देते हैं। ये सिंपल केस था। अगर सपोज करो आपको जैसे यहाँ पर डिलीट करना था 20, तो 20 छोटा है 30 से, हाँ, 28 से भी छोटा है, हाँ, ठीक है, 20 मिल गया। लेकिन यहाँ पर देख लो, ये लीफ नोड नहीं है, इसके लेफ्ट में खाली है लेकिन राइट साइड में कुछ है। अगर इस टाइप का सिनेरियो मिलता है तब भी ज़्यादा मुश्किल है, तब भी थोड़ा हैंडल कर लेंगे हम, ईजी है। तब क्या करना है कि अब 28 का लेफ्ट हो जाएगा ये, जो इसके राइट में प्रेजेंट है, ठीक है, 28 का लेफ्ट हो जाएगा ये, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा बेसिकली। पहले ये था लेकिन अब ये उड़ जाएगा। तो जैसे ये लिंक हट गया तो वैसे ही इस भी लिंक का कोई मतलब नहीं है, तो ये 20 जो है गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही, और 30 का लेफ्ट 28, देन 28 का लेफ्ट 25 हो जाएगा, और अभी भी ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको एक ऐसी नोट डिलीट करनी है जिसके दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड एक एक चाइल्ड प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर डिलीट करना है हमें 20, तो अब देखते हैं 20 छोटा 30 से, हाँ, लेफ्ट में आएंगे, 28 से भी छोटा लेफ्ट में आएंगे, 20 मिल गया। अब ना तो इसका लेफ्ट नल है ना इसका राइट नल है, दोनों के दोनों नॉन नल हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि चलो 20 को डिलीट कर देते हैं और किसी भी को एक को 10 को यहाँ पे इसका लेफ्ट में पहुँचा देता है, लेकिन अगर हमने 10 को लेफ्ट में पहुँचा दिया तो फिर 25 वाला ये वाला बाइनरी सर्च ट्री कहाँ जाएगा, राइट, ये वाला सब ट्री कहाँ जाएगा। अगर आपने 25 को लगा दिया तो फिर ये वाला कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर ये सोचना पड़ता है। तो हमें अपनी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई रखनी है, तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट डालना है जो कि यहाँ पर डालने के बाद भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई रखे। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट डाला जा सकता है, एक बार सोचते हैं। यहाँ पर बेसिकली वो एलिमेंट डाला जाएगा, देखो इसके नीचे ना एक लेफ्ट सब ट्री बन रहा है और एक राइट सब ट्री बन रहा है, राइट। यहाँ पर हमारे पास दो कैंडिडेट हो सकते हैं डालने के लिए, या तो लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट डाल दो यहाँ पे, या फिर राइट साइड का सबसे छोटा एलिमेंट डाल दो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? आप अगर ये देखो, अगर आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, उस बाइनरी सर्च ट्री का अगर आप लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो ना, तो एक आपको सॉर्टेड एरे मिलता है। ये प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की, हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसको अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो हमें एक सॉर्टेड एरे मिलेगा, विच इज दिस। ये इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, देख रहे हो, और ये एक सॉर्टेड एरे है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने की जरूरत नहीं, बस आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है विच इज सॉर्टेड। तो अगर आप लोग यहाँ से 20 को उठाना चाहते हो, विच इज दिस वन, अगर आपको यहाँ से 20 को उठाना है, 10 या तो 10 को इधर लेके आओ, या फिर राइट साइड में जो छोटा है विच इज 22, उसको यहाँ पे लेके आओ। तो देख रहे हो, वो इसके इधर प्रेजेंट है और इधर इसके इधर प्रेजेंट है। तो या तो इसका इन ऑर्डर प्रेडेसेसर या फिर इसका इन ऑर्डर सक्सेसर, दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट इसकी जगह पर आ सकता है, राइट। तो यही हमें करना है। हमें करना क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि हम ना राइट साइड में जाके इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ लेंगे कौन सा है, और उसके इन ऑर्डर सक्सेसर को यहाँ पर डाल देंगे, तो विच इज 22, राइट। तो 22 को यहाँ से हटा के हम यहाँ डाल देंगे, 22 पहले यहाँ पे था, इस 22 को हम डिलीट कर देंगे, तो इस 22 को यहाँ पर डिलीट कर देंगे, तो 22 यहाँ से हट जाएगा और इसकी नोड को हमने यहाँ पर 22 सेट कर दिया। तो अभी भी ये एक बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है और एलिमेंट जो हमारा 20 था वो डिलीट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। आप सपोज करो दोबारा से 22 डिलीट करना है, तो 22 डिलीट करेंगे तो अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, या तो लेफ्ट साइड से इन ऑर्डर प्रेडेसेसर या फिर राइट साइड से इन ऑर्डर सक्सेसर को इसकी जगह पर लगा देना है। तो हम यहाँ पर एक खुद का बना लेते हैं एक नॉर्म की, हमेशा हम राइट साइड में जाएंगे और इन ऑर्डर सक्सेसर को उठा के यहाँ पर लगा देंगे। तो राइट साइड में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, 25 होगा, तो 25 को इधर लिख देंगे, ठीक है, 25 लिख दें यहाँ पे, और यहाँ से 25 को डिलीट कॉल करा देंगे। तो 25 के लिए जब हम डिलीट कॉल कराएंगे यहाँ से, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, हमेशा हम एक इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ रहे हैं। इन ऑर्डर सक्सेसर की एक खास बात होगी कि हमेशा उसका लेफ्ट चाइल्ड नल होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड नल होगा, राइट चाइल्ड नल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट साइड उसका हमेशा नल होगा। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं अलग अलग ट्रीज के लिए, उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से ये काम करने वाला है। इस वाले एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सपोज करो यहाँ से हमें 50 डिलीट करना है, 50 डिलीट करना है तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों नॉन नल है, तो पहले तो 50 वाली नोड पर पहुँचेंगे, चेक करेंगे, हाँ दोनों ही नॉन नल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 50 का राइट साइड राइट सब ट्री में से सबसे छोटा एलिमेंट हम निकालेंगे, ठीक है,
विच इज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ दिस 50. वो निकालेगा क्या तरीका है कि राइट सब ट्री के लिए कॉल कर देंगे हम एक फंक्शन विच इज फाइंड प्रेडेसेसर या फिर फाइंड स्मॉलेस्ट करके. ठीक है, तो किसी भी सब ट्री के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो उस रूट से सबसे लेफ्ट नोड जो होगी वही होगा. ठीक है, क्योंकि हम देखते भी हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर हम इनऑर्डर ट्रैवर्सल भी कर रहे होते हैं तो इनऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, लेफ्ट नोड राइट, तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा लेफ्ट में चले जाते हैं जितना भी लेफ्ट में हो सकता है, और जो सबसे लेफ्ट में जो पोजीशन होती है जितना भी लेफ्ट में वही सबसे छोटा एलिमेंट होता है. राइट, तो सेम फंडा हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर आएंगे और सबसे लेफ्ट में जाते आएंगे, सबसे लेफ्ट में हम पहुँच गए यहाँ पर 60 पे, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नोड. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सब ट्री बन रहा है यहाँ पर दिस सब ट्री, इसके अंदर जो सबसे छोटी नोड होगी वो ये वाली नोड होगी 60. तो हम बस हमें मिल गया ये, इसके साथ हम इसे रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो हम इसके डेटा को चेंज करेंगे सिर्फ. ठीक है, तो 50 का डेटा यहाँ से हो जाएगा 60, 50 तो गया लेकिन 60 वाली नोड अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये तो नहीं रहनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इस वाले सब ट्री के लिए कॉल कर देंगे कि डिलीट 60. ठीक है, सेम रीड वाला फंक्शन जो हमने बनाया था अभी, सेम रीड वाला फंक्शन हम दोबारा कॉल कर देंगे कि 60 को डिलीट कर दो. तो 60 डिलीट होगा यहाँ पे, तो हम एक बात की और गारंटी कह सकते हैं कि 60 का लेफ्ट नल होगा. ठीक है, अगर 60 का लेफ्ट नॉट नल होता तो 60 सबसे छोटा एलिमेंट होता ही नहीं. ठीक है, तो 60 का लेफ्ट नल होगा, 60 का राइट हो सकता है कुछ हो. ठीक है, 60 का राइट हो सकता है 65 हो, लेकिन 60 का लेफ्ट हमेशा नल होगा, 60 का लेफ्ट नल है. तो इसीलिए इसको डिलीट करना आसान है, कुछ नहीं करना, बस 60 अगर सपोज करो इस तरीके का भी होता तो 60 को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम कि 60 को उड़ाओ और 70 का लेफ्ट हो जाएगा 60. तो इस तरीके से हमारा 60 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और 60 डिलीट हो गया, 60 यहाँ पे आ चुका है और अभी भी ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. तो यही फंडा है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, इसलिए इसका कोड जो है थोड़ा डिफरेंट होता है. अब जब सा कोड देख लेते हैं वो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को और आपको समझ में आएगा. तो ये रहा हमारा कोड डिलीट नोड. ये करता क्या है, एक रूट लेता है और एक की लेता है और इस रूट वाले बाइनरी सर्च ट्री से इस की वाले एलिमेंट की नोड को डिलीट कर देता है और जो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री बनता है उसकी जो रूट होती है वो रिटर्न कर देता है. ठीक है, रिटर्न टाइप इज नोड. तो अगर रूट ही नल है, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर ही हमें रूट नल दिया है तब तो हमें कुछ डिलीट करना ही नहीं है. या फिर अगर आप सपोज करो लीफ नोड पे आ गए रिकर्शन के अंदर और लीफ नोड के आपने लेफ्ट और राइट साइड के लिए कॉल कर दिया तो वो तो नल ही मिलने वाला है वहां से, तो आप रिटर्न कर दोगे रूट विच इज नल. ठीक है, अगर आपको जो एलिमेंट डिलीट करना है वो छोटा है, अगर की छोटी है इस रूट के डेटा से, ठीक है, सपोज करो आप लोग इस रूट पे हो और आपको जो एलिमेंट डिलीट करना है वो सपोज करो 2 डिलीट करना था. ठीक है, तो 2 तो छोटा है इस रूट से, तो आप लेफ्ट साइड के लिए सेम फंक्शन कॉल कर दोगे क्योंकि इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है इस रूट वाली रूट से, मतलब इस वाली रूट से आप कॉल करेगा, ये इस रूट पर जाके ये जो सब ट्री बन रहा है यहाँ पर जाके एक की को डिलीट करना है और उसको डिलीट करने के बाद इसे रिटर्न करना है मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री की रूट को. ठीक है, और तो अब जो भी मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री की रूट आएगी उसको हम लेंगे और इस वाले फंक्शन के लिए, मतलब इस वाले रूट के लेफ्ट के लिए उसको हम सेट कर देंगे. ठीक है, तो इस फंक्शन ने हमें जो भी रिटर्न किया उसके लेफ्ट में हम इसको सेट कर देंगे. ठीक है, भले ही पहले से सेट है, भले ही 10 का लेफ्ट ऑलरेडी 5 है, लेकिन हम इस फंक्शन के कॉल से जो भी रिटर्न होगा उसके लेफ्ट को सेट कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कई बार मिस करते हैं लोग. कई बार लोग क्या करते हैं, बस लेफ्ट के लिए कॉल करते हैं डिलीट फंक्शन लेकिन लेफ्ट को सेट ही नहीं किया. ठीक है, वो करना जरूरी है. ओके, अगर एलिमेंट जो डिलीट करना है वो छोटा नहीं है, अगर वो एलिमेंट बड़ा है तो हम राइट साइड जाएंगे और राइट साइड के लिए भी यही करेंगे. सपोज करो डिलीट करना था हमें 30, तो ऑब्वियसली 30 तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 30 मतलब 30 तो इससे बड़ा है, तो 30 इससे बड़ा है तो राइट साइड के लिए कॉल करेंगे. अब ये क्या करेगा, राइट साइड में जाएगा और राइट साइड से जो भी मिलेगा रूट, ठीक है, राइट साइड से डिलीट करने के बाद जो भी रूट मिलेगा उसके इसके राइट को वो सेट कर देगा. ठीक है, तो यहाँ से सपोज करो डिलीट कहीं 30 डिलीट किया इसने और यहाँ से मिला इसे अभी भी 60 ही, तो कोई बात नहीं 60 ही मिला तो दोबारा से 60 को सेट कर देगा, भले डिलीट नीचे कहीं पे हुआ हो लेकिन फिर भी ये काम करना जरूरी है रिकर्शन के अंदर, हर स्टेप के अंदर. और अगर आप लोग यहाँ पर रिकर्सिव लीव ऑफ फेथ लगा दोगे तो आपका काम यहीं पर खत्म हो जाता है. ठीक है, इतने में आपका काम खत्म हो जाता है. एक केस बचता है अभी भी, लेकिन वो केस देख लेते हैं जरा. ठीक है, तो अगर आपको वही एलिमेंट डिलीट करना है जिस एलिमेंट पर आप हो, तो अब यहाँ पर आके हमने बताया था 3 केसेस बनते हैं. राइट, 3 केसेस बनते हैं. पहला केस क्या है कि हो सकता है ये एक लीफ नोड है, अगर लीफ नोड है तब तो कुछ करना ही नहीं, आप लोग डायरेक्टली उसका नल रिटर्न कर दोगे. अगर आपको एलिमेंट जो डिलीट करना है उसके लेफ्ट साइड में नल है राइट साइड में नल नहीं है, तब तो आप लोग राइट साइड वाली चीज़ को रिटर्न कर दोगे. अगर राइट साइड में नॉट नल, राइट साइड में नल है लेफ्ट साइड में नल नहीं है, तो आप लोग लेफ्ट साइड वाली चीज़ को रिटर्न कर दोगे. लेकिन अगर दोनों साइड ही नॉट नल है तब आप लोग क्या करोगे, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करोगे, रिप्लेस करोगे और फिर बाकी सारे काम करोगे. ठीक है, जरा वो सब चीज़ें देख लेते हैं कैसे कोड हो रही है. अगर लेफ्ट साइड नल है तब तो सिंपली रिटर्न कर दो जो भी राइट में है, ये हमने देख लिया था. अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करते हैं क्या राइट साइड नल है. अगर राइट साइड नल है तो क्या करो, सिंपली लेफ्ट वाली पार्ट को रिटर्न कर दो. अगर दोनों ही पार्ट नल होते, लेफ्ट भी नल होता राइट भी नल होता, तो आप लोग यहीं पर आए थे, इसी वाले केस में आए थे
ऊपर वाले केस में ही, जहाँ पर लेफ्ट ही नल होता तो आप लोग रिटर्न कर देते रूट डॉट राइट विच इज ऑल्सो नल, तो आप यहाँ से नल रिटर्न करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पर हैंडल था, ये वाला केस भी हैंडल हो गया। अब एक जो केस बचता है जिसमें दोनों ही नॉट नल है, तो आप लोग यहाँ पर आओगे और आप लोग क्या करोगे, एक मिन वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करोगे। अब मिन वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, मैंने आपको बताई थी, आपको बेसिकली राइट में जाना है। सपोज करो डिलीट करना था यहाँ पर हमें 60 डिलीट करना था, 60 ऐसे हम डिलीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसके राइट में आएंगे और इसके राइट में आके हम कॉल कर देंगे एक मिन वैल्यू वाला फंक्शन, जो हमने यहाँ पे मिन वैल्यू वाला फंक्शन देखते हैं कैसे काम कर रहा है। सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा है ये मिन वैल्यू वाला फंक्शन। क्या करता है, एक एलिमेंट लेता है, एक नोड लेता है और उसके लेफ्ट में जाता रहता है जब तक कि लेफ्ट नल ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसने टेम्परेरी बना लिया मिन वैल्यू और ये लेफ्ट में जाता रहेगा जब तक कि ये लेफ्ट नल ना हो जाए, और इस मिन वैल्यू को बार बार ये अपडेट करता रहेगा, राइट। और जैसे ही ये एकदम लेफ्ट में पहुंच जाएगा तो फाइनली इसको एकदम मिनिमम वैल्यू मिल चुकी होगी इस मिन वैल्यू के अंदर, तो ये उस मिन वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, 80 पे गया, 80 के लेफ्ट के लिए कॉल किया विच इज 70, 70 के लेफ्ट के लिए कॉल किया विच इज 60, 60 के लेफ्ट के लिए कॉल करेगा तो कुछ भी नहीं मिला, मिन वैल्यू के अंदर 60 पड़ा हुआ है तो व्हाइल लूप से बाहर आएगा और 60 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसने वैल्यू रिटर्न कर दी 60, तो अब मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को लूँगा और उसको मैं अपने करंट रूट के डेटा में डाल दूंगा, ठीक है। तो 60 हमें मिला मिनिमम वैल्यू, हमने इसके साथ इसे रिप्लेस कर दिया, तो अब यहाँ पे 60 हो जाएगा, पहले 65 था अब 60 हो गया, और अब हमें 60 को लेकिन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉल कर दूंगा डिलीट नोड वाला फंक्शन जो मैंने बनाया था, लेकिन इस बार रूट डॉट राइट ये इसकी रूट होगी, ये इसकी रूट होगी, और जो एलिमेंट डिलीट करना है वो है हमारा रूट डॉट डेटा, ठीक है। मुझे ये वाला एलिमेंट ये 60 डिलीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कॉल कर दूँगा कि 60 को डिलीट कर दो, और हमें पता है 60 को डिलीट करना अब आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि 60 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लेफ्ट पक्का नल है, ठीक है। तो 60 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लेफ्ट पक्का नल है, तो इसका लेफ्ट पक्का नल है, तो हमें बस यहाँ पर आना है 60 को डिलीट कर देना है सिंपल अपना फंक्शन लगा के, और फिर जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हमने रूट डॉट राइट में सेट कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला एल्स वाला केस हैंडल होता है। बाकी दोनों केसेस तो सिंपल थे हैंडल करने, लेकिन एल्स वाला केस थोड़ा अलग तरीके से हैंडल होता है, जो कि हमने देख लिया यहाँ पर कैसे हैंडल हो रहा है। ये सब कर लेने के बाद फाइनली अपना रूट रिटर्न कर दो, ठीक है, जो कि एक मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री का, अब जो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री बना उस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद उसकी रूट रिटर्न कर दो। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फाइनली ये 10। अगर 10 ही डिलीट करना होता तो उस केस में यहाँ पे हम जाते 10 के राइट में, ठीक है। सपोज करो 10 डिलीट करना होता तो हम 10 के राइट में जाते और सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करने का ट्राई करते विच इज 20, ठीक है। 20 सबसे छोटा एलिमेंट मिलता, 20 से इसे रिप्लेस कर देते तो यहाँ पे हो जाता 20 अब, राइट। और उसके बाद हम यहाँ से कॉल कर देते कि 20 को डिलीट कर दो, तो 20 यहाँ से डिलीट हो जाता और फिर हम ये वाला जो रूट है ये रिटर्न करते हैं, रूट के अंदर 20 पड़ा होता, तो इस तरीके से काम कर रहा होता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से काम कर रहा है। और डिलीट अब डिलीट अ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री एक बहुत ही स्पेशल टाइप का केस होता है, इसके अंदर एक स्पेशल क्वेश्चन है ये, तो इसको कर लेना ठीक से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, इसको हम सबमिट कर देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, मैं बोलूँगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके चलते हैं, बाय बाय।